नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। JBKSS के रांची लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्रनाथ महतो गिरफ्तार। नामांकन दाखिल करने पहुंचे JBKSS के रांची लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्रनाथ महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवेंद्रनाथ महतो को रांची पुलिस ने शनिवार को रांची समाहरणालय से गिरफ्तार किया है। बता दें, रांची में विधानसभा घेराव मामले में पुलिस ने देवेंद्रनाथ को गिरफ्तार किया है। विधानसभा घेराव मामले में नगरी थाना के संख्या 48/2022 में दर्ज हुआ था। इस मामले में देवेंद्रनाथ महतो समेत कई अन्य के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र महतो गुपचुप तरीके से आदिवासी पारंपरिक पोशाक पहनकर समाहरणालय पहुंचे थे। इसी दौरान पहले से ही इंतजार कर रही पुलिस की नज़र देवेंद्र पर पड़ गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि देवेंद्र महतो का नामांकन दाखिल कराने पहुंचे थे, लेकिन नामांकन से पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। स्कूलों में ग्रीष्मावकाश की तिथि 7 से 21 जून तक करने की मांग। ग्रीष्मावकाश की तिथि 7 से 21 जून तक करने व लोकसभा चुनाव 2024 में ग्रेड पे के अनुसार पदानुक्रम का दायित्व देने के लिए प्लस टू शिक्षक संघ ने DC कुमुद सहाय को ज्ञापन सौंपा है। संघ के सचिव विनोद कुमार व राज्य प्रतिनिधि उमेश चंद्र मिश्र ने कहा है कि 21 मई से 2 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। इस बीच लोकसभा चुनाव होना है, इस अवधि में विद्यालय खुला रहना जरूरी है। छुट्टी की तिथि 7 जून से 21 तक किया जाए। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में पद के अनुरूप कार्य दायित्व दिया जाए। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित कार्यरत शिक्षकों का ग्रेड पे 4800 है। इनको सेक्टर मजिस्ट्रेट नहीं बनाकर 4200 रुपये ग्रेड पे या संविदा पर कार्य JEE को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं है। पंचायत चुनाव में सभी PGT शिक्षकों को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया था। कहा, PGT शिक्षक सभी कार्यों को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पद के अनुरूप कार्य देने से कर्मियों का मनोबल बना रहता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया आक्रमण, कहा इनका लक्ष्य भ्रष्टाचारी बचाओ। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन लोहरदगा लोस के सीसई में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में कोई ऐसा पेपर नहीं जो लीक नहीं हुआ हो। पीएम ने हेमंत सोरेन का नाम न लेते हुए कहा है कि राज्य के पूर्व CM भ्रष्टाचार के केस में जेल में बंद हैं। पीएम ने कांग्रेस के 60 सालों का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने देश को सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार दिया है। कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण किया। मैं अंबेडकर की पूजा करने वाला संविधान नहीं बदलूंगा, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड दौरे का शनिवार को दूसरा दिन रहा। पीएम ने पलामू और गुमला में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोगों से कहा है कि विपक्ष झूठ फैला रहा है कि BJP की सरकार संविधान बदल देगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि संविधान पर आँच नहीं आने दूंगा। OBC पिछड़े और दलितों के आरक्षण को छीनने नहीं दूंगा। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को पूजने वालों में से हूँ। उन्होंने कहा है कि वह मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आपके एक वोट से 500 वर्ष बाद राम मंदिर बना। जम्मू कश्मीर में आपके एक वोट से 370 हट गया, नक्सलवाद खत्म हुआ। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। तालाब में दिखा हाथियों का झुंड, दहशत में ग्रामीण। झारखंड के दलमा में एक बार फिर 25 हाथियों का झुंड आबादी वाले इलाके में दिखाई दिया है। इससे लोग दहशत में आ गए हैं। लोगों का कहना है कि जंगल में कई जगहों पर आग लगने की वजह से हाथी गर्मी में सुरक्षित स्थान तलाशते हुए आ गए हैं। सुबह से हाथियों का झुंड गाँव के पास तालाब में नजर आया है। जानकारी के अनुसार कोल्हान के चांडिल अनुमंडल क्षेत्रों के जंगलों में इन दिनों हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है। ये हाथी शाम ढलने के बाद जंगल छोड़कर आसपास के किसानों के खेतों में फसल को खा रहे हैं। इसके बाद सुबह जंगल और पलाश के वन में जाते हैं। हाथियों की वजह से आसपास के किसानों में दहशत है। लोगों का कहना है कि लावा पहाड़ में 110 से 115 तक जंगली हाथी डेरा डाले हुए हैं। हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित। जमीन घोटाला मामले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर ED कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस अदालत में प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ED ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
बता दें कि रांची के बरियातो स्थित सेना के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में ईडी ने पूछताछ के बाद 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी को हेमंत सोरेन की 13 दिन की रिमांड मिली थी। फिलहाल उन्हें होटवार जेल में बंद किया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद 15 अप्रैल 2024 को हेमंत सोरेन ने कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी। टाटा नगर सहित देश के 61 स्टेशनों पर खुलेंगे पीएम जन सुविधा केंद्र। टाटा नगर सहित देश के 61 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन सुविधा केंद्र खुलेंगे। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत सभी स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में ये जन सुविधा केंद्र खुलेंगे, जिसमें दवाएं सहित अन्य उपभोग की वस्तुएं मिलेंगी। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए प्रति स्टॉल 12.23 लाख रुपये आवंटित किए हैं। बोर्ड ने सभी जोन को निर्देश दिया है कि वे उक्त राशि से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत स्टेशन परिक्षेत्र में स्टॉल का निर्माण कराए। चक्रधरपुर मंडल में टाटा नगर एकमात्र स्टेशन है जहां प्रधानमंत्री भारतीय जन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। चुनाव में सुरक्षा बल के जवानों की सुरक्षा स्वास्थ्य का रखा जाएगा विशेष ध्यान। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के सभी जिले के पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस उप महानिरीक्षक चुनाव कोषांग ने सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति से पूर्व राज्य भर के पुलिस को 7 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया है। सभी जिले के एसपी को मुख्यालय के निर्देश का पत्र भी भेजा गया है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट तौर पर सभी जिले की पुलिस से कहा है कि चुनाव ड्यूटी करने वाले सुरक्षा बल के जवानों का विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जवानों के भोजन और पानी की ठोस व्यवस्था के साथ रहने व जरूरत के हिसाब से इलाज की भी भरपूर व्यवस्था हर जिले में होनी चाहिए। मुख्यालय ने गर्मी को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों के लिए पूरी सावधानी बरतने के लिए कहा है। बता दें, चुनाव कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किए जाने वाले सुरक्षा बलों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त तथा स्थानीय चिकित्सक के सहयोग से प्लाटूनवार एक एक फास्ट ट्रैक किट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। पीएम मोदी का ऐलान, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती देश भर में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पलामू की धरती से आदिवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती देश के हर कोने में मनाई जाएगी। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ जिन्होंने भगवान बिरसा के गाँव का दौरा किया है। वहाँ की मिट्टी को मुझे अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने हमेशा आदिवासी हितों को सर्वोपरि रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा है कि मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से पीएम जन योजना का लाभ दिया। इस योजना से वे लोग लाभान्वित हुए जो आदिवासी समाज में सबसे पिछड़े हैं। इस मौके पर उन्होंने 13 मई को बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। गढ़वा में भाजपा नेता गोपाल चौरसिया की हत्या मामले में 8 को उम्र कैद। गढ़वा जिले के रामकंडा बाजार में भाजपा नेता गोपाल चौरसिया की हत्या के मामले में 8 दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने प्रत्येक दोषी को 20,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गढ़वा राजेश शरण सिंह की अदालत ने 23 अक्टूबर 2019 को रामकंडा बाजार में हुए भाजपा नेता गोपाल चौरसिया की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या मामले में 8 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में रामकंडा थाना क्षेत्र के निवासी चंद्रभूषण कुमार भी शामिल हैं। बोकारो में नक्सलियों ने लगाए पोस्टर, चुनाव बहिष्कार की अपील। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, 2 चरणों का मतदान संपन्न हो गए हैं। 4थे चरण से झारखंड में मतदान होना है। बता दें, बोकारो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहां 25 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले यहां नक्सलियों ने पोस्टरबाजी शुरू कर दी है। पोस्टरबाजी शुरू कर नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बोकारो जिले के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में पोस्टरबाजी की गई। नक्सलियों ने स्कूल में पोस्टर चिपकाया है। साथ ही चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के कर्री पंचायत के कुर्क नालो, बड़की टांड और तीसरी में भी पोस्टर चिपकाया गया। बोकारो में हुई पोस्टरबाजी से ग्रामीण दहशत में है। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने सभी पोस्टर हटा दिए हैं। सिमडेगा में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हुए शामिल। सिमडेगा शहर के पुराना शाम टोली में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप बालमुचू, कोलेबीरा विधायक बिक्सल कोगाड़ी, सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा सहित कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव में खूंटी लोस क्षेत्र
से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा की जीत सुनिश्चित कराने को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया। झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा को वोट करने और जीत दिलाने के लिए कार्य करने का निर्देश दिया है। धनबाद में अपराध की योजना बनाते तीन युवक गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से एक पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, कार और तीन मोबाइल जब्त किए गए हैं। बता दें कि पिछले दिनों गोविंदपुर में अपराधियों के द्वारा मछली कारोबारी को गोली मारने की घटना के बाद पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी रविकांत प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस ने गुप्त सूचना पर खालसा होटल के निकट शांति गेस्ट हाउस में छापेमारी कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले कुल तीन अपराधियों को पकड़ा है। पकड़े गए अपराधियों के पास से एक पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, एक कार और तीन मोबाइल बरामद किए गए। मामले में एसपी अजीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनमें एक अपराधी पर लूट व डकैती के कई मामले कई जिलों के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। झारखंड में 18,577 आर्म्स लाइसेंस में से 897 रद्द। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आर्म्स लाइसेंस को जमा करवाया जाता है। इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 18,577 आर्म्स लाइसेंस हैं, जिसमें 14,204 लाइसेंस धारकों ने अपना लाइसेंस जमा करवाया है। वहीं 897 हथियारों के मालिकों ने लाइसेंस का सत्यापन नहीं कराया। उनका लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही 35 लाइसेंस को जब्त भी किया गया है। वहीं 1491 लाइसेंस धारियों को विशेष परिस्थिति पर छूट दी गई। आर्म्स लाइसेंस से जुड़े 1950 मामले विभिन्न जिला में पेंडिंग हैं। सीता सोरेन का जेएमएम पर तीखा हमला, कहा दिसोम गुरु को किया दरकिनार। दुमका से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने झामो पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा है कि जेएमएम द्वारा झारखंड आंदोलन के एक मजबूत सिपाही, राजनीति के भीष्म पितामह, हमारे दुखहर्ता और पालनकर्ता आदरणीय बाबा जी का जो अपमान किया जा रहा है, उससे झारखंड का कोई भी गाँव अछूता नहीं है। झामो सुप्रीमो की तबीयत खराब होने के बावजूद जेएमएम के मुखौटे में बैठे सत्ता की लालच लिए शीर्ष नेताओं ने उलगुलान के नाम पर अपने स्वार्थ के लिए उनको कभी चिलचिलाती धूप में बैठाया तो कभी उन्हें संसद ले गए। यही नहीं, परम पूज्य दिसोम गुरु जी को निर्णय लेने वाली समिति से भी दरकिनार किया गया। सीता सोरेन ने कहा है कि जिन्होंने अपने खून पसीना से जेएमएम पार्टी रूपी वृक्ष को सींचा और खड़ा किया, आज उसी पार्टी ने बाबा जी के संघर्षों को भुला दिया है। रामगढ़ में पीटी करते बेहोश होकर गिरा पांचवी की छात्र की मौत। झारखंड के रामगढ़ के राधा कोमिल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में शुक्रवार की सुबह पीटी के दौरान 12 वर्षीय छात्र आर्यन कुमार अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। आर्यन स्कूल हॉस्टल में रहकर पांचवी कक्षा में पढ़ रहा था। वह मांडू के बसंतपुर नीम टोला निवासी नेहरू कुमार गांजू का पुत्र था। मौत का कारण क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस मामले में डीईओ नीलम शर्मा ने स्कूल प्रबंधन से स्पष्टीकरण पूछा है। वहीं साथ ही डीएससी संजीत कुमार के नेतृत्व में जांच टीम भी बनाई गई है। यह टीम शनिवार को स्कूल जाकर जांच की है। लोहरदगा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। झारखंड के लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र की नाबालिग को अगवा कर पांच युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। लोक लाज के कारण पीड़िता ने मामले को दबा कर रखा, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद परिजन लड़की को लेकर कुड्डू थाना पहुंचे तथा पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस से की है। लिखित आवेदन के बाद पांच युवकों पर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़की का मेडिकल चेकअप कराया, इसके साथ ही बयान कलमबद्ध कराया गया। बता दें केस दर्ज होने के बाद लड़की तथा परिजनों पर मामला उठाने का दबाव बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। देर रात जब लड़की शादी समारोह से वापस अपने घर लौट रही थी तो पाँच युवकों ने लड़की को अगवा कर लिया। पीएम मोदी के दौरे को कांग्रेस ने बताया फ्लॉप। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि पूरे देश की 140 करोड़ जनता जानती है कि राहुल गांधी शहजादे नहीं शहीद जादे हैं। मीर शनिवार को कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि शहजादे प्रधानमंत्री का प्रिय शब्द है जो वह चुनाव के दौरान प्रयोग करते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं
जिस परिवार का आज़ादी हासिल करने के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक कुर्बानी का इतिहास रहा है, लेकिन मोदी जी जिस जमात से आते हैं उनका देश के लिए क्या योगदान रहा है पूरा देश जानता है। मीर ने कहा है कि पिछले दो दिन से मोदी झारखंड में हैं, जनता का रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिला। प्रधानमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसे पूरी जनता सुनती है और अच्छी तरह समझती है। 10 साल में उन्होंने क्या किया इसकी उन्होंने चर्चा नहीं की है। बीजेपी पर जेएमएम का हमला, सुप्रियो बोले चुनाव भारत में तो पाकिस्तान और मुसलमान की बात क्यों। लोकसभा चुनाव के दौरान पलामू में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर जेएमएम ने अपनी आपत्ति जताई है और राज्य निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत भी की गई। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करे और अपनी उपलब्धियों को गिनाए, मगर जिस प्रकार से दो चरणों के चुनाव तक 400 पार का नारा बीजेपी दे रही थी वो अब बदल गया है। अब पाकिस्तान और मुसलमान की बात करने लगी है जो कहीं से सही नहीं है। दूसरे चरण के चुनाव के बाद सांप्रदायिक के तहत अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम एवं पाकिस्तान की बात बीजेपी पूरे देश भर में कर रही है। चुनावी सभा भारत में हो रही है न कि पाकिस्तान में। हिंदुस्तान की तरक्की एवं हमारे देशवासियों के हक और अधिकार में बातें होनी चाहिए, मगर बीजेपी पाकिस्तान की बात करके देशवासियों को भ्रम की स्थिति में रखने का काम कर रही है जो नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग उड़ीसा ने झारखंड को हराया। हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा ने रांची के मराम गांव के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 चरण एक में शूट आउट थ्रिलर में हॉकी झारखंड पर रोमांच जीत दर्ज की है। हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा ने 33वें मिनट में एक्का सोनाली के गोल से पहला गोल दागा। वहीं झारखंड की रोशनी आइंद ने असाधारण धैर्य का परिचय देते हुए 49वें मिनट में अपनी टीम के लिए बराबरी का गोल 22 दागा और खेल को तनावपूर्ण निर्धारित समय में समाप्त कर स्कोर 1-1 से बराबरी पर ला दिया। निर्धारित समय में कोई भी पक्ष गतिरोध तोड़ने में कामयाबी नहीं हो सका और मैच रोमांच शूटआउट में चला गया। तनाव तब और बढ़ गया जब दोनों टीमों ने 2-2 गोल किए, जिससे शूटआउट अचानक रोमांच की ओर बढ़ गए। चुनौती की ओर कदम बढ़ाते हुए उड़ीसा की धनवार मरियम ने विजयी गोल किया और अपनी टीम के लिए कड़ी जीत हासिल की है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने गढ़वा में निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राज्य के मंत्री सह झामो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि 2 दिनों के झारखंड प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री ने झूठे बोलने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से आग्रह करता है कि वो झूठ बोलने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज कर उसे प्रकाशित करे। उन्होंने कहा है कि पीएम ने मंच से सिर्फ हिंदू मुसलमान किए हैं। चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि इसकी जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करें। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।